हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी नोड को आप डिलीट कैसे करते हैं या फिर किसी नोड को रिमूव कैसे करते हैं। द मेथड रिमूव चाइल्ड, चाइल्ड का सी कैपिटल में और बिटवीन पैरेंथेसिस सब चाइल्ड का नाम लिखेंगे, इज यूज्ड टू डिलीट रिमूव नोड फ्रॉम द ट्री। द रिमूव्ड चाइल्ड चाइल्ड नोड स्टिल एग्जिस्ट इन मेमोरी बट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द डोम। इट रिटर्न्स द नोड ऑब्जेक्ट दैट वॉज रिमूव्ड ऑन सक्सेस एंड नल ऑन फेलियर। सिंटेक्स इसका कुछ इस तरीके से लिखना है, आपको पेरेंट नोड यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, पेरेंट नोड डॉट रिमूव चाइल्ड, चाइल्ड का सी कैपिटल, देन टारगेट नोड जिसको डिलीट करना है। सो जिसको डिलीट करना है उसका पेरेंट भी चाहिए और जिसको डिलीट करना है वह भी आपको यहाँ चाहिए। और ये मेथड रिटर्न करता है, जो डिलीट होता है वह रिटर्न कर देता है, यानी कि जो नोड डिलीट हो रहा है उसको रिटर्न कर देता है। अगर आप चाहें तो उसको बाद में अपेंड कर सकते हैं, वह मेमोरी में एग्जिस्ट करता है बट वो डोम का पार्ट नहीं होता, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं है लेकिन मेमोरी में है। सो रिटर्न अगर होता है तो उसको आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, वायर डेल नोड या फिर रिमूव नोड, कुछ भी वेरिएबल का नाम लिखिए, इक्वल पेरेंट नोड डॉट रिमूव चाइल्ड और टारगेट नोड, वेयर चाइल्ड इज द रेफरेंस ऑफ दैट नोड विच इज अबाउट टू डिलीट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्विकली। सिंपल से HTML लिखा हुआ है मैंने UL में, यहाँ से देखिए हमारा मेन कोड यहाँ UL ID my UL लिखा, आइटम वन आइटम टू में मैंने ID लिखा हुआ आइटम अंडरस्कोर टू, आइटम थ्री आइटम फोर, और यहाँ से स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में मैंने यहाँ सेंटेक्स लिख दिया है, पेरेंट नोड रिमूव चाइल्ड टारगेट नोड वेयर, ये क्या लिखा हुआ है मैंने। सबसे पहले तो हमें डिलीट किसको करना है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। सो मान लीजिए कि मुझे इसको डिलीट करना है आइटम टू को, तो इसको डिलीट करना है तो मुझे चाहिए इसके पेरेंट का एक्सेस और जिसको डिलीट करना है उसका एक्सेस। तो पेरेंट का एक्सेस मुझे कैसे मिलेगा, इस ID के थ्रू मुझे मिल जाएगा। सो मैं लिख रहा हूँ वेयर यू इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID my UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद मुझे टारगेट नोड का भी एक्सेस चाहिए, तो मैं इसके लिए भी लिख देता हूँ वेयर, ये आइटम है तो इसका I लिख देते हैं, इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ लिखते हैं आइटम टू। पेरेंट मिल गया हमें और टारगेट भी मिल गया हमें, यानी कि पेरेंट नोड और टारगेट नोड दोनों ही हमारे पास है। इसको मैं सेव करके और एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि हमें अभी क्या दिखाई देता है बिना डिलीट किए हुए। तो आइटम वन टू और थ्री हमें दिखाई देता है, हम आइटम टू को डिलीट करने वाले हैं। पेरेंट नोड यू डॉट रिमूव चाइल्ड मेथड और बिटवीन पैरेंथेसिस आपको लिखना टारगेट, यानी कि जिसको डिलीट करना है वो, तो हमारा क्या है आई है, सेमीकोलन दिया, सेव किया। सेव करने के बाद इसको अगर अभी आप रिफ्रेश करते हैं तो आइटम टू यहाँ से आपका डिलीट हो जाता है, लेकिन ये मेमोरी में अभी भी अवेलेबल है। ये मेथड रिटर्न करता है जो डिलीट हुआ है वह नोट, तो उसको आप चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। और एग्जाम्पल मैंने यहाँ डेल नोट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया और मैंने इसको स्टोर कर लिया। अगर आप इसको कंसोल लॉग करके देखेंगे जो डिलीट हुआ है उसको, यानी कि डेल नोड को, तो ये आपको वहाँ दिखाई देगा कि आइटम टू आपका डिलीट हुआ। रिफ्रेश किया, देखिए आइटम टू मिल रहा है आपको एक्सेस होकर। इसको हटा देते हैं, ये तो कंसोल लॉग हम लोग सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए करते हैं कि देखते हैं कि हमारा कोड सही चीज़ हम जो एज्यूम करते हैं वह सही देता है या नहीं। सो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म। इस तरीके से आप नोड को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। पहला, हम लोग जानते हैं कि अगर ये आईडी ना हो, ये आईडी मान लीजिए नहीं है, ये भी नहीं है, ये जो है मैं कमेंट कर देता हूँ ये नहीं है, अगर आईडी नहीं है, आइटम टू का आईडी नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसको आप एक्सेस इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा गेम ओवर हो जाता है। लेकिन इतना तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास से पेरेंट और इसके अंदर ये चाइल्ड है। अब इसमें से मान लीजिए कि मुझे आइटम वन अगर डिलीट करना है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि पेरेंट नोड जो भी है यू का फर्स्ट चाइल्ड, इस तरीके से लिख देता हूँ, तो अल्टीमेटली हम लोग टारगेट किसको बना रहे हैं, यहाँ टारगेट नोड लिखा जाता है, टारगेट हम लोग बना रहे हैं इस पेरेंट के फर्स्ट चाइल्ड को, यानी कि आइटम वन आपका डिलीट हो जाएगा। सेव करते हैं, सेव किया इसको, सेव करने के बाद इसको अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ फर्स्ट आइटम जो डिलीट होकर दिखाई देना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बिकॉज फर्स्ट चाइल्ड आपने लिखा, तो इसका फर्स्ट चाइल्ड क्या है, ये वाला इंटर है,
तो ये डिलीट हो रहा है, लेकिन ये डिलीट नहीं हो रहा। अगर इसको डिलीट करना है आपको, तो आप लिखिए फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, एलिमेंट चाइल्ड, तो ये एलिमेंट को देखेगा, टेक्स्ट को नहीं देखेगा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद अगर इसको रिफ्रेश करते हैं आप, तो आपको यहाँ से आइटम वन जो है वो हट जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। इसको अगर आपको देखना है कि वाकई में वही डिलीट हुआ या नहीं, तो उसके लिए आप कंसोल लॉग करके इस डेल को देख लीजिए, डेल नोट को, डेल नोट, सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो देखिए आपका आइटम डिलीट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड का सिबलिंग, या फिर आप लिख सकते हैं नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग, इस तरीके से कुछ भी लिख करके आप डिलीट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, चाइल्ड नोट, और इसमें हम लोग ये चाइल्ड नोट्स क्या करता है, हमें एक लिस्ट देता है, तो हम लोग यहाँ लिस्ट में इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ अगर 2 कर दिया, नहीं चलिए मैं 3 करते हैं, सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो 1, 2 हमारा डिलीट हो गया। ठीक, 2 देखिए यहाँ डिलीट हो गया हमारा। सो ये कैसे काम करता है, ये काम करता है वैसे ही, यहाँ से ये हो जाएगा 0 पे, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2 स्पेस वाला, और ये आपका हो जाएगा 3। ये चाइल्ड नोट्स का वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इसका किस तरीके से ये काम करता है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि चाइल्ड नोड को स्पेसिफाई करने की आपको आवश्यकता नहीं है, स्पेसिफिकली उसका एक आईडी हो, उसको आप एक्सेस करें देन उसको टारगेट बनाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इस तरीके से विदाउट स्पेसिफाइंग चाइल्ड नोड भी आप डिलीट कर सकते हैं इस पेरेंट के चाइल्ड्स को। सो ये एक कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से अगर आपको पेरेंट को एक्सेस नहीं करना है, तो ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, उसके लिए आपको एक्सेस करना पड़ेगा इसके चाइल्ड को। तो हम लोग क्या करते हैं कि वापस से अपने प्रीवियस मोड में आते हैं, मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ, और थोड़ा सा यहाँ जब तक आईडी ना आ जाए, चलिए आईडी आ गया हमारा, तो यहाँ तक आ गए। अभी हमें इसके पेरेंट को किया सकता नहीं, इसको कमेंट कर देते हैं और इसको रहने देते हैं। यहाँ पर पेरेंट की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे कि आइटम 2 यानी कि आई का पेरेंट, पेरेंट नोड। सो इस केस में हमें पेरेंट नोड को स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं, जो भी आई का पेरेंट होगा वह अपने आप यहाँ रिप्लेस हो जाएगा और रिमूव कर देगा आई को। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे आइटम 1, आइटम 3 और आइटम 4 आपको यहाँ दिखाई देते हैं, यानी कि आइटम 2 आपका डिलीट हो चुका है। यही है आपका रिमूव चाइल्ड, इसमें आप अलग अलग तरीके इस्तेमाल कीजिए। देखिए आप अब इतनी दूर तक आप जावास्क्रिप्ट में पहुँच चुके हैं कि आपका दिमाग काम करना चाहिए कि क्या मैं कर सकता हूँ। यहाँ हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं कि चाइल्ड नोट्स क्या करता है, रिमूव चाइल्ड क्या करता है, लेकिन इसका कैसे यूज़ करना है ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। हालांकि हम लोग कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देखेंगे जहां आपको बेसिक आइडियाज़ मिल जाएंगे कि कैसे किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, पहले ये सारी चीज़ें सीख लीजिए। अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट लर्न कर लीजिए कि रिमूव चाइल्ड क्या करता है, पेरेंट नोड क्या करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।